हेलो दोस्तों, मैं मंटू और मेरे चैनल टेक्निकल मंटू में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट आई हुई है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी सुविधा, एडवोकेट जनरल ने लगाई अपनी मुहर। नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2019 से पीएफ का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पर हर माह शिक्षक 1800 सरकार देगी, यानी शिक्षक को देना होगा 1800 रुपया पीएफ के लिए और सरकार ने देगी 1950 रुपये। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें, वरीय अधिकारी के अनुसार नियोजित शिक्षक को पीएफ खाते में हर माह 1800 रुपये का योगदान देना होगा। वहीं राज्य सरकार 1950 रुपये का योगदान देगी, हर माह करेगी। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों का पेंशन और कर्मचारी डिपॉजिट लिवंड इंश्योरेंस स्कीम EDLI का लाभ भी मिलेगा। आपको यहाँ बता दें पूरे डिटेल्स में, यहाँ पर राज्य लगभग 3.10 लाख नियोजित शिक्षकों को मासिक सुरक्षा के तहत भविष्य निधि PF का लाभ मिलेगा। इस पर एडवोकेट जनरल AG ने अपनी मुहर लगा दी है। इसका लाभ नियोजित प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र के अनुसार नियोजित शिक्षकों की PF राशि कटौती की सुविधा 1 अप्रैल 2019 से प्रभावित मानी जाएगी। EPF भुगतान को लेकर परिषद की ओर से बैंकों में विशेष खाता भी खोला गया है। अधिकारियों की माने तो इसके लिए सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार EPFO ने नियोजित शिक्षकों को भी PF की सुविधा प्रदान करने को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को 16 नोटिस भी जारी किया है। यहाँ बता दें, EPFO की मांग को लेकर संगठन ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने इस संबंध में निर्णय भी सुनाया था। संगठन वर्ष 2014 अप्रैल के प्रारंभ से ही EPF की मांग कर रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें 3.10 लाख नियोजित शिक्षकों को होगी लाभ। यहाँ पर देखिए, हर जिला वाइज यहाँ पर दिया है और शिक्षकों की संख्या दिया हुआ है, तो आपको एक एक करके बता दें। अररिया में देखिए 8732 यहाँ पर शिक्षक के लिए है। अरवल में 2523 शिक्षक हैं। औरंगाबाद में 7648। बांका में आपको बता दें यहाँ पर 5484। और बेगूसराय में 10001। भागलपुर में यहाँ पर 7719। भोजपुर में देखिए 8763। बक्सर में 5768। दरभंगा में 11081। पूर्वी चंपारण में 15679। गया में 11827। गोपालगंज में यहाँ पर 9537। जमुई में 6366। जहानाबाद की बात करें तो 4236। कैमूर की बात करें तो 5742। कटिहार की बात करें तो 9445। खगड़िया की बात करें तो 4536। किशनगंज की बात करें तो 5659। लखीसराय की बात करें यहाँ पर देखिए 3171। मधेपुरा में बात करें 7219। मधुबनी में 13937। मुंगेर में 3583। मुजफ्फरपुर की बात करें 13369। नालंदा की बात करें 8395। नवादा की बात करें 7941। पूर्णिया की बात करें तो 8562 नियोजित शिक्षक हैं। यहाँ पर देखिए, पटना की बात करें तो 10723 शिक्षक। रोहतास में 6415 शिक्षक। सहरसा में बात करें तो 7093 शिक्षक। समस्तीपुर में 13182। सारण की बात करें यानी छपरा की बात करें तो 11685 शिक्षक। शेखपुरा की बात करें 1714 शिक्षक हैं। शिवहर की बात करें तो 1758। सीतामढ़ी 9051। सिवान की बात करें तो 11557 शिक्षक है। सुपौल 7395। वैशाली की बात करें तो 9825। और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो 10577। टोटल मिलाकर हो रहा है यहाँ पर 3,09,898 शिक्षक का यहाँ पर सरकार ने देगी यहाँ पर हर माह PF का सुविधा। उनको 1800 रुपया और सरकार उसमें मिलाकर 1950 रुपया PF जमा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छा खबर है। और वो भी बता दें कि पिछले अप्रैल महीने से 2019 से ये चालू हो जाए यानी लागू होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो भी नियोजित शिक्षक हैं इनके लिए बहुत राहत की बात है और बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट आया हुआ है।
दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।